आजकल एक चर्चा का नया विषय बना हुआ है अग्निवीर। सेना में 4 साल की ही भर्ती क्यों सिर्फ? देखिए, एक सीधी सी बात है, एक सीधा सा फंडा है। जो लोग आर्मी में नहीं जा पाए तो वो अब क्या जाएंगे? तो उनको क्रांतिवीर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्रांतिवीरता करके दंगे कर रहे हैं, फैसले को गलत ठहरा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो क्रांतिवीर हैं टेढ़े टाइप के। ये बात गलत है। 16 साल पार करने के बाद में 17 साल से 21 साल तक की उम्र में पहुंच के भी बंदा क्या कर पाता है? 21 को छोड़िए, 25 30 तक भी क्या कर पाते हैं आजकल? कुछ नहीं कर पाते। और वैसे भी आर्मी में कौन जाएगा? पहली बात तो जिसकी इच्छा होगी, जिसके अंदर देशभक्ति होगी, ठीक है। पैसे की बात तो थर्ड नंबर पे आती है, एक शौक भी होता है ना, वही जाएंगे जिनके अंदर स्ट्रेंथ होगी। अब आधे से ज़्यादा तो क्रांतिवीर हैं, उनका तो जब टाइम था तब भी वो आर्मी में ना जा पाए। एक बार कोशिश करी नहीं जा पाए, दूसरी बार कोशिश करी नहीं जा पाए, थर्ड टाइम उन्होंने अटैम्प्ट किया, नहीं कर पाए। अब भाई उसके बाद में क्रांतिवीर ही बनोगे क्या? कुछ और काम भी हैं वो कर लो। जाएगा तो आर्मी में वही जिसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, और वहाँ पर चाहिए भी वही जिसके अंदर दम होगा। देश की रक्षा करनी है, टाइम पास नहीं करना वहाँ पे। एक सीधी सी बात है। दूसरी बात, इससे फ़ायदा कही है, 16 से 21 साल तक की उम्र में उसके पास में 15 से 20 लाख रुपए होंगे अपने, जो सेविंग होगी वो अलग होगी, 15 20 लाख रुपए वो अलग होंगे कैश, ठीक। वो कुछ भी कर सकता है भाई 21 साल की उम्र के बाद में, वो कुछ भी कर सकता है, इतने सारे उसके पास में पैसे होंगे, तो वो कुछ गलत नहीं है, वो सही है। दूसरी बात, सेना में जाएगा भाई जिसके अंदर स्ट्रेंथ होगी, फालतू के लोग तो जाने से रहे नहीं। तीसरी बात, दूसरे को मौका मिलेगा 4 साल बाद, फिर उसके बाद में दूसरे को मिलेगा, और ऐसा नहीं कि उसमें प्रमोशन के चांस नहीं है, प्रमोशंस के भी चांस आगे हैं। अग्निवीर से बनो आगे महावीर, परमवीर, और जिसको बनना हो तो बनेगा, जिसको आर्मी में जाना हो तो जाएगा, चाहे पैसे के वजह से जाए, पैसे तो नंबर 1 पर देशभक्ति आती है, ठीक है, शौक की वजह से जाए, कुछ भी जाए, लेकिन ये सब चीज़ें गलत है। जो क्रांतिवीर, मैं उनको क्रांतिवीर नाम दे रहा हूँ, जो देश के अंदर में दंगा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये गलत है, ठीक है। ये सब मत कीजिए, समझिए, मानिए, नहीं तो फिर आपसे भी बड़े बड़े फिर बैठे हुए हैं, आपसे भी बड़े बड़े बैठे हुए हैं, आप अकेले क्रांतिवीर नहीं हो, ठीक है। माना आपके अंदर में स्ट्रेंथ होगी, लेकिन आपने कोशिश की, आप आर्मी में नहीं गए, नहीं जा पाए, बात ख़त्म, सीधी सी बात है। अब आप कुछ और कीजिए, आधे से ज़्यादा उसमें प्रदर्शन वो कर रहे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। 23 साल के बाद के ओवर एज अलग है, 21 के बाद में भी अब वो ओवर एज हो चुके हैं भाई, रोल निकल गया, और गलत नहीं है, ठीक है। 17 से 21 तक में जो नहीं बन पाया तो वो फिर बाद में क्या बनेगा आर्मी में? पहले उम्र दे रखी थी, चलो ठीक है, और भी रीज़न होते हैं, किसी को चॉइस नहीं होती, उसको चॉइस 20 साल के बाद में चॉइस आती है ना, ऐसा भी होता, लेकिन रूल रूल है, आपके क्रांतिवीरता के वजह से रूल को बदला नहीं जा सकता, ना कभी बदलेगा, ये बात साफ है, सीधी सी है। लेकिन इसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, 40 50 60 साल वाले, जो वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। भाई आप क्यों कर रहे हो? आप तो वैसे भी किसी काम के हो नहीं आर्मी में, तो आप जो देश के अंदर में कर रहे हो वो करो, दूसरों को भी चैन शांति से काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ठीक रहेगा। फालतू के लोगों की न्यूज़ें हैं टीवी में, कोई सोशल साइट में, काम की बातें उसमें होती ही कम है आप लोगों की वजह से। अपना तो आपका ठीक है, कुछ ना कुछ कर रहे हो, और आपको कुछ ना कुछ चाहिए, पता नहीं क्या मज़ा आता है। 17 साल के 21 साल तक के भी इसमें शामिल हैं, चलिए उनको ना समझ कहेंगे हम, फिर भी उनके अंदर समझ नहीं है, लेकिन 21 के बाद वालों को भी चलो ना समझ कह देते हैं वो कोई, लेकिन प्लीज़ समझिए, आपके तोड़फोड़ कर देने से आपको अग्निवीर का नाम नहीं मिलेगा, आपको क्रांतिवीर का नाम मिलेगा, फिर क्रांतिवीर आजकल मार खाते हैं, ये बात सच्चाई है, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। एक अच्छे दिशा है, तन मन धन से स्ट्रांग होने की स्ट्रेंथ मिल जाएगी उन लोगों को जिनको आर्मी की चॉइस है, और उनको डिस्टर्ब मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए।